ये है सिटी की चमचमाती हुई शाम और यहाँ पे बन रही है कड़ी, बहुत ही टेस्टी कड़ी बनेगी, जिसके लिए जिस तेल में धनिया ढल चुका है और अब प्याज कट कर रहे हैं, क्योंकि आज कड़ी खाने का मन किया तो सोचा कि चलो कड़ी बना लेते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी कड़ी बनने वाली है। जैसे कि आज शिवरात्रि है तो सारा ऑयली ऑयली खाना बनता है, तो शाम को फिर थोड़ा सा कड़ी खाने का मन करता है, इसलिए यहाँ पे कड़ी बन रही है। इसमें आटा ढल चुका है और थोड़ा सा हमारा ये इसमें ऑयल कम पड़ गया है, अब इसमें थोड़ा सा घी डालना पड़ेगा। और ये हरी मिर्च और ये घी डाल दिया गया है क्योंकि थोड़ा सा ड्राई हो गया था। और यहाँ पे लस्सी में बेसन मिलाया जाएगा और इसको अच्छे से मिला के फिर कड़ी में डाल देंगे, क्योंकि पहले तो मसाले में आटा डाला था, बेसन को लस्सी के साथ अच्छे से मिला के डाल देंगे। और ये मसाला भुन चुका है और इसमें अब पानी ढलेगा और थोड़ी देर इसको हिलाते रहना है, और पानी ढल चुका है और थोड़ी देर हिलाने के बाद भी हम 2 मिनट तक इसको ऐसे ही हिलाते रहेंगे कम आंच पे, थोड़ा सा इसको खोलने देते हैं और उसके बाद इसमें ढाल देंगे लस्सी, जो जिसमें मतलब बेसन मिला के जो अभी इसमें ढाल दी गई है वो लस्सी, और अब इसको 5 मिनट तक हिलाते रहेंगे। अच्छा टेस्ट की तूने जैसे कि मैंने बताया था कि आज बर्थडे सेलिब्रेशन भी है शिवरात्रि के साथ साथ, तो ओहो कहानी फाड़ दी है, वो नजर लगी है वीडियो पर। हमारा एक बैलून फट भी चुका है आपके सामने। अब क्या है गुब्बारे फुला दी क्यों रे 20 थे और आधे सफेद आधे तो कितने। और यहाँ पे प्लूटो भी बर्थडे में पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसके बाद शाम को केक काट दिया गया था और वो वाली वीडियो हमने शूट नहीं की थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो जैसे कि पार्टी अभी ड्यू है और मैं तैयार हो चुकी हूँ पार्टी के लिए, और एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में एक अच्छा सा वो ब्रेकफास्ट मिलता है जहाँ पे हम भर पेट खा सकते हैं। हमने पार्टी ब्रेकफास्ट ही इसलिए रखी है क्योंकि सुबह हम ज़्यादा भी खा सकते हैं कि सारे दिन भर हजम करें, अगर हम डिनर करते तो फिर पेट ख़राब हो सकता था, इसलिए हमने ब्रेकफास्ट पे पार्टी रखी है। तो चलिए ले चलते हैं आपको रेस्टोरेंट में और दिखाते हैं आपको वहाँ की वीडियो। ये देखिए मैं समधी जी के साथ लंच में जा रही हूँ। शिवरात्रि वाले दिन समधी जी का बर्थडे था तो उस दिन सेलिब्रेशन नहीं हो पाया, तो इसलिए हम अभी ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसके साथ जाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं रोहित के साथ ही चल जाती हूँ, क्योंकि समधी जी ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया नहीं है, इसलिए मुझे रोहित के साथ ही जाना पड़ा। और ये जो पीछे गाड़ी दिख रही है आपको, इसमें समधी समदन जी आ रहे हैं और ये हमें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी चंडीगढ़ में चलाना तो मुश्किल होता है। महिला पर हमला करने वाला